हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीड लाइन और रीड की के बीच में क्या क्या डिफरेंस है सी शार्प डॉट नेट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं str, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन हम लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन हम यहाँ पे और प्रिंट तो कराएंगे स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे str के वैल्यू को कंकैटिनेट कराएंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले कर्सर यहाँ वेट कर रहा है कि यूजर कोई स्ट्रिंग एंटर करे। तो यहाँ पे हम एंटर किए हाय, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग हाय ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पे आए। उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन ये वेट कर रहा है कि कोई एक स्ट्रिंग या फिर कोई कैरेक्टर आप एंटर कीजिए। तो मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे रीड की एक की को रीड करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम के एंटर किए तो यहाँ पे के डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास है कंसोल की इनपो, तो यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं के इक्वल टू कंसोल कंसोल उसके बाद डॉट रीड लाइन यहाँ पे हम और रीड की यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे रीड की देखिए है, उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे हम प्री और प्रिंट कराएंगे कि इनफो, उसके बाद एक प्लेस होल्डर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे के उसके बाद डॉट प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए की आ रहा है। ये सारा आपको बताएगा कि कौन कौन सा की यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको कमेंट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कमेंट में डालते रहे, अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्सर वेट कर रहा है कि यूजर कोई की इंटर करे। जैसे हम यहाँ पे के इंटर किए तो यहाँ पे के की इनफो, तो यहाँ पे के ये दिख रहा है। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे की इनफो यहाँ पे एंटर बता रहा है। फिर यहाँ पे हम देखिए स्पेस बार यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर किए हैं तो यहाँ पे और कंसोल क्लास डॉट की इनपो किए हैं, रीड किए हैं। तो ये रीड करता है कोई भी की को, जैसे कोई भी स्पेस आप एंटर किए या फिर यहाँ पे आप तो कोई कैरेक्टर जैसे एम एंटर किए, तो ये सारा यहाँ पे ये बता रहा है। और यहाँ पे कंसोल डॉट रीडलाइन वो एक कोई भी यूजर एंटर करता है जैसे और कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी इंटीजर वो मेमोरी में स्टोर करता है वहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम कमेंट में डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हम इंटर कर सकते हैं हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे हेलो इंटर किए। उसके बाद यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं और के, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, अब इसको एक्सिक्यूट हम कर रहे हैं फिर से यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक आ गया।
चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग देखिए, जैसे हम एस प्रेस किए, एस की इनको यहाँ पे एस बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं हेलो, तो यहाँ पे हम एच और एच ही लिखे, हेलो लिखना चाहते थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ एच ही बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट एच की इनको यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे रीड की क्या होता है, कोई भी कोई भी की को ये रीड करता है, और रीड लाइन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग को रीड करता है। और ये दोनों में एक बिगेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे तो एक कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा रहता है, कंसोल डॉट रीड की लिखा रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम इंटर किए, हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम जैसन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जे ही बता रहा है कि जे की इनपो, तो यहाँ पे बता रहा है कि इनपो क्या है, जे। उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे आप रीड लाइन में आप स्ट्रिंग जैसे str आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग हाय फ्रेंड्स, इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, ये लिख दिए, उसके बाद ये इंटर किए, तो अब कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही की आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह का है, यही एक बिगेस्ट डिफरेंस है रीड लाइन और रीड की के बीच में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।